Hello everyone, this is Roshif and you are watching UI Developer Code. Guys, आज का हमारा टॉपिक है शेप आउटसाइड। शेप आउटसाइड की हमें नीड क्यों पड़ती है, हम शेप आउटसाइड को यूज़ क्यों करते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालें आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो गाइज, बात करते हैं शेप आउटसाइड की। शेप आउटसाइड की नीड हमें क्यों पड़ती है, तो चलिए मैं आपको अपना डिज़ाइन दिखाता हूँ जो मैंने एक डेमो एस्टिमल बनाया हुआ है, वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तभी आप शेप आउटसाइड को अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक इमेज ली है और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है मैंने। अभी अगर मुझे ये क्लिप पाथ की हेल्प से इसको शेप कराना है, कोई किसी भी शेप में डिस्प्ले कराना है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसके बाद शेप आउटसाइड की बात करेंगे। तो हम यहाँ अपने कोड में जाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो सिंपली अगर हम यहाँ इस जो मैंने इमेज दी हुई है यहाँ पर सिंपली हम टाइप करते हैं क्लिप पाथ, तो एक सर्कल ले लेते हैं। गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियो क्लिप पाथ के ऊपर ही बनाई थी, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्लिप पाथ लिया है, सर्कल लिया है, सर्कल में हम 50% ले लेते हैं और इसको 50% कर देते हैं। तो जब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो यहाँ पे सर्कल बन गया क्लिप पाथ की हेल्प से। अब बात आती है शेप आउटसाइड की। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये क्लिप पाथ की हेल्प से मैंने शेप तो बना दी है लेकिन यहाँ पर अभी भी ये स्क्वायर ही दिखा रहा है। हमारा पैराग्राफ जो शो हो रहा है वो एज ए स्क्वायर की फॉर्म में शो हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो कह रहा है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा पैराग्राफ इसको टच करते हुए ऐसे राउंड शेप में आना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शेप आउटसाइड की हेल्प ली जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ शेप आउटसाइड क्या काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिप पाथ लिया है, सेम टू सेम शेप आउटसाइड की प्रॉपर्टी होती है, इसको अगर हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर लिख देंगे शेप आउटसाइड। तो अगर मैं उसको सेव करता हूँ, जो मैंने क्लिप पाथ की प्रॉपर्टी ली है सेम शेप आउटसाइड के लिए भी ले लिया मैंने सर्किल। अब मैं इसको अगर सेव करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसने जो पहले हमारे स्क्वायर आ रहा था वो यहाँ से हट गया है, यानी कि जो ये एरिया कवर कर रहा था स्क्वायर वाला वो एरिया कवर नहीं कर रहा है। जो क्लिप पाथ की हेल्प से हमें एरिया कवर हुआ था, अब शेप आउटसाइड की हेल्प से हमें वही एरिया मिल रहा है और पैराग्राफ इसे टच हो गया है। अब पैराग्राफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें थोड़ा सा हल्का सा मार्जिन चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको एक मिनट थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। थोड़ा क्लियर अब सही लग रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा पैराग्राफ इस इमेज से टच हो रहा है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है ताकि जैसे हम मार्जिन में लगाते हैं मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन प्रॉपर्टी होती है, तो इसी के लिए भी शेप आउटसाइड के लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है। चलिए वो प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है शेप मार्जिन। शेप मार्जिन हम सिंपल लगा देंगे और सिंपल पिक्सल में डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये स्पेस आ गया है, स्पेसिंग बन गई है, अब बेटर लग रहा है। तो जैसे क्लिप पाथ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, सर्कल होता है, एलिप्स होता है, इनसेट होता है और पॉलीगन होता है, सेम प्रॉपर्टीज़ शेप आउटसाइड में भी होती हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ले सकते हैं और उसी की हेल्प से हम शेप आउटसाइड की प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर दूसरी शेप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एलिप्स ले लेता हूँ, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है क्लिप पाथ और उसकी शेप आउटसाइड की। और यहाँ पे हमें दो वैल्यू डिफाइन करनी होगी, इसको ले लेते हैं 100 पिक्सल। इसको 80 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एलिप्स ले लिया है, एलिप्स पे भी सही वर्क कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आप दूसरी प्रॉपर्टीज भी डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे पॉलीगन करा सकते हैं, रेक्टेंगल कुछ भी बना सकते हैं, तो ये सब पर वर्क अच्छे से वर्क करेगा। मैं यहाँ पे पॉलीगन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बन गया है। सेम इसको हम कॉपी कर लेंगे शेप आउटसाइड के लिए। सेव करते हैं तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सेम ऐसे ही आ गया है। यहाँ से थोड़ा सा टच हो रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा कम कर दूँ 40-80 तो वो वहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब ठीक आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी जो यहाँ पे विथ उसको थोड़ा सा कम कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर इसे फॉन्ट टच हो रहा था, मैंने इसको विथ को कम कर दिया तो बिल्कुल सेम स्पेसिंग आ गई है।
तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो डालते हैं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाती है और आप उसको इजीली देख पाते हैं।